हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी के कार्यपत्रक 11 को हल करेंगे, यानी इसके उत्तर को जानेंगे। इस वर्कशीट के जो आंसर्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। फर्स्ट है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। जिसका अर्थ अलग है उस पर गोला लगाना है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है अपने को, दिन, तो दिन का यानी अपोजिट क्या होगा। दिन का जैसे वार भी होता है, दिवस भी होता है, लेकिन इसका अर्थ अलग है, यानी अलग अर्थ दे रहा है, वो रात है, तो इसके ऊपर क्या कर रखा है, गोला कर रखा है। इसी तरीके से अपने को भी आगे वालों के बताने हैं। जैसे आग, तो आग का अनल भी होता है, अग्नि भी होता है, मशाल, मशाल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर अलग हो जाएगा। फिर दोस्त, दोस्त का बंधु भी होता है, साथी भी होता है, दुश्मन नहीं होता, दुश्मन क्या होता है, अपोजिट होता है। नेत्र, नेत्र का नयन होता है, आँख होता है, पलक यानी पलक नहीं होता है। पवन, वायु, हवा, लेकिन तूफान, ये क्या है, इससे अलग है। बाकी तो इनके क्या समानार्थी यानी पर्यायवाची है, और जो दूसरा दे रखा है वो इनसे अलग है। तो इस तरीके से आपको इन पे गोले लगाने हैं। फिर है अगला, दिए गए शब्दों के तीन तीन अर्थ यानी पर्यायवाची लिखिए। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है ग्रह, ग्रह का होता है घर, आल्य, निवास। इसी तरीके से अपने को बताना है धरा का, तो भू, पृथ्वी, भूमि। नेक्स्ट है खग का विहंग, नभचर, पखेरु। फिर है बादल, बादल का होता है मेघ, जलधर, जलद। फिर पानी, पानी का होता है जल, नीर, अंबु, यानी ये इनके क्या है, पर्यायवाची है। तो आपको भी इनके तीन तीन पर्यायवाची लिखने हैं। अगर जल्दी चलें तो आप वीडियो को प्लीज पॉज करके यानी अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर देखें। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। कुछ शब्द समूह यानी शब्द युग्म दे रखे हैं, जैसे पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनते, ऊंची ऊंची। तो एक एग्जांपल दे रखा है, बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। तो इसी तरीके से अपने को बताना है, शहर में इमारतें हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। अगला है, बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। नेक्स्ट है, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। फिर है, नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। तो इस तरीके से आपको शब्द युग्म को भरना है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे सूरज की हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है क्या, तो किरणें, किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। फिर है, सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे, कौन थे, तो महात्मा गांधी, यानी सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। देश के वीर अपने देश की, देश की के लिए बलिदान दे देते हैं, यानी आन बान शान के लिए, अपने देश की आन बान शान के लिए क्या देते हैं, बलिदान दे देते हैं, तो आन बान शान पे टिक करेंगे। फिर है, गंगा यमुना भारत की पवित्र क्या है, नदियां है, तो यहाँ पे नदियों पे टिक करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन कार्यपत्रक 12 की। कार्यपत्रक 12 में आपको यानी दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण, मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना, यानी संयुक्त वर्णों का जो कठिन जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनको लिखने की हैबिट बनानी है। जैसे फर्स्ट पर्सन अपने पास दे रखा है, दी गई वर्ग पहली में से शब्द छांट कर लिखिए, यानी अपने पास एक वर्ग पहली दे रखी है, ये एक वर्ग पहली है, इसमें से शब्दों को छांट कर लिखना है। जैसे एक शब्द दे रखा है ज्ञान, तो ये बन गया यहाँ पे जैसे ज्ञान। फिर जैसे कल, तो ये देखो कल। उसके बाद में यज्ञ, तो ये रहा यज्ञ। उसके बाद मुख्य, तो ये रहा यहाँ पे मुख्य। नेक्स्ट है जैसे इंग्लैंड, तो ये देखो यहाँ पे ये बन रहा इंग्लैंड। फिर चित्तर, तो ये रहा चित्तर। फिर प्रजा, तो ये देखो ये प्रजा। उसके बाद में मूर्ख, तो ये रहा मूर्ख, और ये रहा मंत्री। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ शब्द बनाने थे इस पहली में से छांट कर, तो इस तरीके से आपको बनाने हैं। जो सारे के सारे जो शब्द हैं वो यहाँ पे अपने पास लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, दिए गए ऐसे शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे प्रसिद्ध को शुद्ध करके लिखना है प्रसिद्ध। फिर समस्या, तो यहाँ पे समस्या। प्रभावित, तो प्रभावित। फिर कृष्ण, सत्तु, दिक्कत, बुद्धू, मंत्री, जिज्ञासा। तो ये जो शब्द अपने को शुद्ध करके लिखने हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में री का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। जैसे कपा लिखा गया है, तो इसको री का प्रयोग करना है कृपया। वक्ष लिखा है वृक्ष, पृष्ठ लिखा है पृष्ठ, ग्रह लिखा है ग्रह।
मृग, कृपाण। घना लिखा है घृणा, अमृत लिखा है अमृत, भगु लिखा है भृगु, कसी लिखा है कृषि, दृढ़ लिखा है दृढ़, कृतज्ञ लिखा है कृतज्ञ। तो इस तरीके से री का प्रयोग करते हुए अपने को इन शब्दों को बनाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुख्यालय, मुख्यालय होता है प्रधान कार्यालय, परीक्षा यानी इम्तिहान, ग्रामीण यानी देहाती, दुर्गम यानी कठिन यानी जिस पे चलना क्या हो कठिन हो, गंतव्य यानी मंजिल, अदृश्य जो दिखाई न दे, विस्तृत यानी व्याख्या करना, महत्वपूर्ण यानी जरूरी आवश्यक, पर्यटक यानी घूमने फिरने वाला। तो इस तरीके से इनके शब्दों के क्या बताने, अपने को अर्थ बताने हैं। नेक्स्ट है, रेफ और रकार शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे यानी रेफ और रकार, यानी ये देखो एक मात्रा नीचे लगती है और एक मात्रा रे की ऊपर लगती है, रेफ और रकार। जैसे गहन तो ग्रहण, सत यानी स्वर्थ, तो ये पहला जो है रेफ है, दूसरा है रकार है। फिर है वक तो वक्र, सु सूर्य, गर्मी, उरित, प्रतीक्षा, ड्रामा और प्रयास। इस तरीके से आप इन शब्दों को क्या करना है, यानी शुद्ध करके लिखना है। आई होप कि आपको दोनों कार्यपत्रक है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अच्छे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।